बज रहे 8:30। तो चलिए खाना बना लेते हैं। तो गाइस हम बना रहे हैं सूरन की सब्जी। तो ये सूरन बताते ना हाथ काटता है, मैं तो काट ली, बहुत तेज लग रहा है। लेकिन इसको मतलब बनाने का तरीका है ना, इस जब वो इसको उबाले तब इसमें अमरूद की पत्ती डाल दें। ये देखिए हमने डाला है थोड़ी सी डंठल, थोड़ी सी पत्ती, तो ये जो काटता है वो नहीं काटेगा। फिर बहुत तेज खुजा रहा है, ऐसा मन कर रहा है। तो वैसे ये सब्जी बन के तैयार है और हमने सबको खाना दे दिया। अब मैं जा रही हूँ खाने, और इधर ये लास्ट रोटी। तो आज ये सब्जी बनाना बहुत शुभ होता है, मतलब ये उसका सूरन का सब्जी बनता है हमारे इधर, और शाम को पकवान बनता है। तो वैसे तो मतलब कि दोपहर को ही बनता है सूरन की सब्जी, और हारा बोलते हैं जिसको, लेकिन हमारे घर पे कोई खाता नहीं, बस मैं खाती हूँ। तो गाइस आ गई है दिवाली का सारा सामान लेके आ गए हैं, इसमें सब आज शाम को पकवान बनने वाला सब आइटम। मेरे को ना ये सेवई बहुत अच्छी लगती है, केसर इलायची, टेस्टी, और ये कुछ ड्राई फ्रूट इसमें डालने के लिए, और सब दालचीनी वगैरह है, और ये एक माला, और ये भगवान जी की मूर्ति, बहुत क्यूट सा, ओके दिखा रहे हैं, हाँ टूटे ना, ये देखिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, और इस ये पटाखे सटाखे, इसमें है पूजा का सामान, ये अगरबत्ती, और ये इतनी बड़ी सी फूल। तो भाई जी ये जुगाड़ू सा रंगोली बना रही हूँ, कोई मतलब प्लान नहीं था रंगोली बनाने का, हम नहीं बनाते, लेकिन मेरा दिमाग चला तो ये होली का कलर था वो बचा, तो मैं सोची तो गाइस इधर बन रहा है मेरा शाही पनीर, और इधर बना रही हूँ मैं सेवई, और चावल हो गया उसमें रखा है, और पूरी बाद में बनाएंगे, अभी ज़्यादा अंधेरा। तो मैं फटाफट खाना बना ली, हो गया, बस आटा गूंथ के रख दूंगी, फिर उसके बाद मैं तैयार हूँ, फिर हैप्पी दिवाली। तो मेरे बाबू इधर तैयार हो गया है, और मैं भी तैयार हो गई हूँ, तो चलिए पूजा कर लेते हैं दिवाली की। उधर हमने सब लगा के रखा है, मत तोड़ो मत तोड़ो। तो गाइस इधर मूर्ति बैठा के हमने पूजा कर लिया, हमारे यहाँ ऐसे पूजा करते हैं, सात दिया जलाते हैं घी में, और फूल माला से सजाते हैं अपने भगवान जी को, ऐसे ही करते हैं सिंपल, ज़्यादा मतलब वो नहीं करते, तो हमने भी ऐसे ही किया है। और क्या फ़र्क पड़ता है मन में, मतलब अच्छे कर्म करना चाहिए, दिखावे करने से क्या होता है। और इधर हमने भूख लगा दिया, लड्डू आपको पता ही है कि आज लड्डू का प्रसाद बनाते हैं, भूख लग गया, और ऊपर भी मैंने दिया हुआ जला दिया, क्योंकि मैं उनको नीचे बैठ के ना बड़ी सुकून सी मिलती है पूजा करने में। ओ, तो क्या है? और हमारे पास दो बाइक है, तो हम वहाँ पूजा करें, क्योंकि यहाँ माना जाता है जो भी आपके घर में गाड़ी हो उसकी पूजा पाठ कर लिए इसको। इधर पूजा पाठ करके हमने सब वो कर लिया, प्रसाद उरसाद सबको दे दिया, उसके बाद हम पटाखे छुड़ाने में गए,
क्योंकि मेरे को बहुत मजा आता है ये सब करने में। तो ये और इधर ये छुरछुरी जला रही हूँ। बच्चों के साथ बच्चे बनने में ना बहुत मजा आता है सच में। हम तो सोचते हम बड़े ही क्यों हुए, तो छोटे गाइस बच्चे गुड होते एकदम नाइट आप मस्त सबको, एंजॉय और करते। ये देखिए कितना हैप्पी मजा आ रहा है, दिवाली, मैं बाबू भगवान को करे, देख, गणेश बाबू थोड़ा डर भगवान, रहा है माता क्योंकि वो रानी के आप थोड़ा सा लोग जल गया है हमेशा इससे, ऐसे हंसी खुशी उसकी तरफ दिवाली पकड़ मनाते नहीं रहा था, रहें। लेकिन तो भी आया तो मैं मिलते हैं बुलाई नेक्स्ट तो। ब्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और गुड नाइट, बाय।